हेलो, माय नेम क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सुबह का 9 बज रहा है और अभी ठंड के कारण फटी हुई है, बुरी तरह ठंड हो रखी है लखनऊ में। एनीवेज, 12th फेल मैंने देख ली है। किसी ने कमेंट में लिखा था 12th फेल का रिव्यू आप करेंगे, मैं देखना चाह रहा था उस पिक्चर को, जो कि ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, काफ़ी वीडियोज़ आ रहे थे कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ 2023 एंड आई वॉन्टेड टू वॉच इट। सो मैंने देख ली वो पिक्चर और वो फिल्म देखने के बाद आई हैव गॉट गुड फीलिंग्स, मतलब कि अच्छी फिल्म बनाई है विधु विधु चोपड़ा ने, बहुत टाइम के बाद अच्छी फिल्म बनाई है। आई थिंक परिंदा के बाद मुझे अगर कोई उनकी फिल्म पसंद आई है तो यही फिल्म है। बीच में काफ़ी फिल्म उन्होंने बनाई पर मुझे शायद उसमें से कोई भी पसंद नहीं आई, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। ठीक ठाक बनाई थी, 1942 वाला लव स्टोरी ठीक ठाक फिल्म थी, बट परिंदा इतना हाई बेंचमार्क था कि उससे मैं चाहता था कि विधु विनोद चोपड़ा जो भी बनाए उससे ऊपर ही बनाए। कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जिनको जब बजट नहीं मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छी फिल्में बनाते हैं, तो विधु विनोद चोपड़ा उन डायरेक्टर्स में से हैं। रिसेंटली डंकी आई जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चली जितनी राजकुमार हिरानी की फिल्में चलती हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि विधु विनोद चोपड़ा उसमें प्रोड्यूसर नहीं थे, उसमें शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी फिल्म्स ने किया था। जो मेंटरशिप थी विधु विनोद चोपड़ा की वो उस पिक्चर में नहीं थी, जो पिछली पिक्चरों में होती थी राजकुमार हिरानी की। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस विधु विनोद चोपड़ा का जो मेंटरशिप था वो शायद राजकुमार हिरानी को लग रहा हो कि यार अब तो मैं अच्छा अकॉम्प्लिश फिल्म मेकर बन गया हूँ तो मुझे उनके एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, पर आई थिंक हिज एडवाइसेस वॉज वॉट वॉज वर्किंग फॉर हिम। सो कमिंग बैक टू 12th फेल का रिव्यू, आई थिंक इट वॉज अ वेरी इमोशनल फिल्म। बहुत जगह ऐसे पॉइंट्स थे जब आप इमोशनल होते हो। कैरेक्टर्स का बहुत अच्छा यूज़ किया है, जो भी कैरेक्टर फिल्म में आए हैं वो दोबारा से यूज़ होते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार जब मैं किसी डायरेक्टर के लिए फिल्म लिखता हूँ या किसी के लिए भी कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं हमेशा बताता हूँ कि स्क्रीन प्ले में जो भी कैरेक्टर कभी भी आप उसको एंटर करो उसको दोबारा यूज़ अच्छे से करो। जैसे इसमें एक सीन था जिसमें ये एक कोचिंग सेंटर में जाता है जहाँ पे एक लड़की के साथ कुछ इंटरेक्शन होता है, कोचिंग सेंटर की रिसेप्शनिस्ट होती है या फिर ओनर होती है, आई डोंट नो, डोंट रिमेंबर दैट, बट वो एंड में फिर आती है। और जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसके अलावा वो फिल्म में अगर एक बार अपीयर होते हैं किसी इंपॉर्टेंट सीन में तो वो दोबारा रीअपीयर ज़रूर होते हैं, विच इज़ द साइन ऑफ अ ग्रेट स्क्रीन प्ले। एक किसी इंटरव्यू में विधु विनोद चोपड़ा ने बोला भी है दैट ही हैज़ ड्राफ्टेड दिस स्क्रीन प्ले लाइक 260 टाइम्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वन ऑफ वट एवर स्क्रीन प्ले यू राइट, यू री राइट इट टिल इट बिकम्स परफेक्ट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो मुझे लगता है कि स्क्रीन प्ले वाइज फिल्म बहुत अच्छी थी, किसी भी जगह पर डल मोमेंट नहीं था, लगातार फिल्म मूव कर रही थी। हालांकि मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है कि फिल्म बहुत ज़्यादा फिक्शनलाइज है और टोटल मनोज कुमार शर्मा जो भी हैं IPS उनकी लाइफ पे टोटली बेस नहीं है, एक फॉल्स मेमोरी परसेप्शन करके चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल से उससे ये फिल्म बहुत जूझ रही थी, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे तो मुझे लगता है एक फिक्शनलाइज थे, क्योंकि ये फिल्म IPS ऑफिसर्स UPSC सर्विसेज को लेके है, IAS ऑफिसर्स की प्रिपरेशन को लेके है, तो बहुत सारे लोग इस पिक्चर से मोटिवेट भी होंगे। इसलिए मोटिवेट होंगे क्योंकि उनको लगेगा कि अरे यार अगर ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, तो इट इज़ नॉट दैट द बेस्ट मैन विंस, इट इज़ दैट द मैन हु विंस बिकम्स द बेस्ट। सो वो वाली थ्योरी वर्क करती है, मोस्टली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वो वाली थ्योरी वर्क करती है। तो आई वुड सजेस्ट जो भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, डू नॉट टेक दिस फिल्म एज अ मोटिवेशन बट जस्ट एज अ फिल्म। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इंटरव्यू में, जब बात होती है कि अगर IPS नहीं बनोगे तो क्या करोगे, दैनी सेज की IPS बनना गोल नहीं है, देश को चेंज करना गोल है। हो सकता है वो एक फ्रिवलस स्टेटमेंट हो बट वो एक्चुअली उन लोगों को हेल्प करेगा जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, कि भाई अगर IPS नहीं बने देन देर इज स्टिल वर्ल्ड आउटसाइड, क्योंकि जब लोग कई बार UPSC नहीं कर पाते हैं तो कई बार सुसाइड करने का भी सोचते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, बिकॉज देर इज़ लाइफ बियॉन्ड योर ड्रीम्स, योर गोल्स। इफ यू कैन नॉट अकॉम्प्लिश इट, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, यू कैन डू समथिंग एल्स एज वेल। एडिटिंग फिल्म का बहुत बढ़िया था, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो विक्रांत मैसे की एक्टिंग, जो मुझे इससे पहले कभी अच्छी नहीं लगी थी, एंड आई डिडंट लाइक विक्रांत मैसे एज एन एक्टर बिफोर दैट। मतलब वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट इस फिल्म में ही एक्सेल्ड, नॉट बिकॉज ही इज़ जस्ट एन एक्टर, मतलब वो अच्छे एक्टर तो हैं, मतलब वो तो मैं मानता हूँ। उनकी एक फिल्म आई थी जिनी वेट्स जॉनी, जिनके डायरेक्टर का मैंने इंटरव्यू भी लिया था पुनीत खन्ना का, एंड आई डोंट नो व्हाई ही डिड दैट फिल्म, बिकॉज ही डज नॉट हैव दैट स्टीरियोटाइप्ड हीरो लुक। वो कमर्शियल फिल्म कर रहे थे, उसमें कमर्शियल फिल्म जैसा लुक नहीं है उनका। बट एनीवेज, इस फिल्म में जो सबसे अच्छी बात यह है, जो मैं अभी कुछ दिन पहले सोच रहा था कि क्या पुष्पा जैसी फिल्म अगर मैं यहाँ पे किसी भी बॉलीवुड एक्टर को पिच करता तो क्या वो करता, कभी नहीं करता। यार मुझे काला कर दोगे तो उसमें मेरे बाल गंदे हो जाएंगे, मैं देखने में अच्छा ही लगूंगा। इवन अभी भी जब मैं किसी एक्टर को नरेट करने जाता हूँ, देन ही सीज कि मेरा लुक एंड फील कैसा है, मैं देखने में कैसा लग रहा हूँ, मेरे सिक्स पैक ऐप हैं कि नहीं है, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट द कैरेक्टर, दे केयर अबाउट द पीपल एडमायरिंग देम। तो ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा मेजर इशू है, जो विक्रांत मैसे ने बहुत अच्छे से टैकल किया है, कि ही
doesn't look like a hero. He looks like that, you know, गरीब सा आदमी जो ये सब चीज़ें करना चाहता है. I also have to say that Priyanshu Chatterjee छोटे से रोल में आए but very influential role. दुष्यंत कुमार का उन्होंने IPS वाला रोल किया and he is one of those actors whom I really loved. जब मैंने तुम बिन देखी थी बचपन में, और तुम बिन मैंने करीब करीब 100-200 बार देखी होगी बिकॉज आई लव दैट फिल्म. मतलब प्रियांशु चटर्जी का मुझे नहीं पता क्यों नहीं बाद में सुपरस्टार बन पाया. आई डू एग्री कि शायद वो फिल्म बहुत अच्छी थी तुम बिन. उनकी एक्टिंग थोड़ी सी स्टोन फेस रहती है, मतलब चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं आते प्रियांशु के, बट आई डोंट नो व्हाई आई लाइक दैट पर्सन. होता है किसी किसी के साथ लाइफ केबिलिटी फैक्टर, तो आई लव दैट पर्सन. बट द थिंग इज द आर्ट डायरेक्शन ऑफ दिस फिल्म इज ट्रेमेंडस. मेकअप इज वेरी गुड. एक एक सी सीन में मैं देखता हूँ कि विक्रांत मैसे के हाथ में छाले वाले लगा रखे हैं, तो आई पर्सनली बिलीव कि वो छाले भी जो है वो मतलब डिटेलिंग को ध्यान देते हैं, क्योंकि वो आटा चक्की में काम कर रहा था. जो माँ का रोल जिसने किया है, जो दादी का रोल जिसने किया है, वो सारी चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा वेल मेंटेन है. जो भी कास्टिंग है इस फिल्म की, बिकॉज इट इज़ नॉट फ्रॉम सम बॉलीवुड स्टीरियोटाइप कास्टिंग डायरेक्टर, सो वो कास्टिंग बहुत बढ़िया है. मतलब इस फिल्म में जो चीज़ें की गई हैं वो इसलिए की गई हैं बिकॉज दे रियली रियली वॉन्टेड टू मेक अ गुड फिल्म, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. और इससे पहले जो फिल्म बनाई थी विनोद चोपड़ा ने, उसमें थोड़ा सा प्रोपोगंडा डाला था शिकारा वगैरह टी चीज़ वाली चीज़ में. इसमें उस प्रोपोगंडा से टोटली वो अलग है. ही जेन्युइनली वांटेड टू मेक अ गुड फिल्म. मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि किसी भी फिल्म में ना कोई ऐसा प्रोपोगंडा टाइप की चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आर्ट हैज़ ऑलवेज बीन अ मीडियम ऑफ प्रोपोगंडा. लोग उसको यूज़ करते हैं बिकॉज दे नो इट इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मीडियम, सो दे यूज़ इट फॉर प्रोपोगंडा. बट वेन यू मेक अ फिल्म दैट इज़ नॉट अ प्रोपोगंडा एंड जस्ट मेक अ फिल्म जस्ट टू मेक अ गुड फिल्म टू एंटरटेन पीपल, दिस इज़ द रिजल्ट दैट यूर गोइंग टू गेट. सो डेफिनेटली 12th Fail इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म दैट हैज़ कम इन रिसेंट टाइम्स, विच यू एन्जॉय वॉचिंग. ये आप 2.5 घंटे तक फिल्म देखते हो और आप कहीं बोर नहीं होते, और आप कैरेक्टर से रिलेट करते हो. मतलब कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि यू एक्चुअली अंडरस्टैंड देम, यू फील देम, एंड यू फील दैट यू हैव मेट दिस कैरेक्टर एट सम पॉइंट इन योर लाइफ. कहीं तो आप इनसे मिले हो, इन कैरेक्टर से. दूसरा, जो लैंग्वेज का टोन पकड़ा है वो सब एक्चुअली वैसे ही बोला जाता है, क्योंकि मैं झांसी में रहा हूँ. मेरे पापा पोस्टेड थे 3 साल झांसी में, तो आई हैव हर्ड दैट लैंग्वेज. वो झांसी का लैंग्वेज, झांसी बुंदेलखंड का है, ये बुंदेलखंडी लैंग्वेज है. बट अगेन द लेवल ऑफ डिटेलिंग इन दिस फिल्म इज माइंड ब्लोइंग. मतलब मेरे को तो इस मामले में पिक्चर बहुत अच्छी लगी कि डिटेलिंग जो है इस पिक्चर की गजब की निकल के आई है. फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले भी बहुत बढ़िया लिखा है. जैसे कि उसके अपने दोस्त से झगड़ा हो जाता है. अच्छा, झगड़े में आपको ऐसा लगता है कि दोस्त सही है, क्योंकि वो ही विक्रांत की हेल्प करता है सारी चीज़ों में, और सिर्फ एक लड़की के चक्कर में वो उसको मतलब अब वो इंपॉर्टेंस देना बंद करता है. बट अगले ही सीन में दिखाते हैं कि उस दोस्त को उसकी ज़रूरत पड़ती है और विक्रांत उसकी हेल्प करता है, और फिर उसको पलट के बोलता है कि तुमने मेरे साथ ये चीज़ें गलत की थी. तो वो एक तरीका है स्क्रीन प्ले में कैरेक्टर्स को कितना ईविल कितना गुड दिखाना है, और अगर उसको आगे जाके ये गुड बनाना है तो उससे पहले उसे एक ईविल एक्ट करा दो. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं स्क्रीन प्ले के. अगर आप ये फिल्म देखते हो तो एज अ स्क्रीन प्ले राइटिंग आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे स्क्रीन प्ले लिखें, कैसे चीज़ों को ट्विस्ट करें, किस तरह से चीज़ों को दिखाएं कि स्ट्रक्चर वाइज जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो, उन ऑब्स्टेकल्स को कैसे सॉल्व करना है, दैट इज़ शो नाइसली इन दिस फिल्म. इस फिल्म में कोई ऐसा हाई पॉइंट नहीं है कि मतलब कि एकदम से बहुत हाई पॉइंट आ गया, लो पॉइंट आ गया. नहीं, फिल्म एक सिंपल पेस से चलती है, बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं जाती है, बट इट इज टोटली इंटरेस्टिंग. इट वॉज गुड. मतलब आई डेंट हैव टू मच आफ्टर थाट्स एक्सेप्ट दैट इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द रिजल्ट, जो कि सच्चाई है. बट एक सच्चाई और भी है कि जो मैं नोटिस करता हूँ, जो रियल लाइफ में आप जो फिल्मों में देखते हैं और जो रियल लाइफ में नोटिस करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है. मतलब इस फिल्म को देख के अगर कोई मोटिवेट होता है, बहुत कोशिश करता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट यू विल गेट द रिजल्ट. But what is necessary is that you have a goal and you start working towards it and you get the result. 12th Fail theaters में शायद उतनी ना चली हो, but I think OTT पे picture बहुत चलेगी because people will keep on watching it. It is a timeless film. In my opinion, it's a timeless film. And it is not just about, जैसे कि ये aspirants है. Aspirants is only about UPSC preparation. But this film is not just about UPSC preparation. जो विधु विनोद चोपड़ा ने अच्छी चीज़ की है इस फिल्म में, this is a timeless film because it is about any exam. It is about any obstacle in life that you have to cross that obstacle. So UPSC just becomes the background of that film. But the film in itself is the story of following your dream and trying to conquer your dream. So that is one thought that I have about this film. I think I have talked enough. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. Bye bye.